taka taka tek. Dum taka dum dum taka dum back. Taka tek duka dum taka tek duka dum. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक. आप सबका फिर से स्वागत है एक और बहरेन के एपिसोड में. तो बहरेन का व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ न्यू टॉपिक के साथ. तो इस वीडियो आज का जो टॉपिक है वो बहरेन का मोबाइल का सिम कार्ड या फिर ब्रॉडबैंड. तो ये वीडियो पूरा का पूरा यहाँ का जो सिम कार्ड के यूसेज है, डेटा बेस, जो भी बेनिफिट है उसके बारे में. तो सबसे पहले, आप कभी भी अगर बहरेन में पहली बार विजिट करते हो एज अ वर्क परमिट या टूरिस्ट वीजा. टूरिस्ट वीजा का तो मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन टूरिस्ट बेस पे आप एंट्री जरूर कर सकते हो. लेकिन अगर आपको सिम कार्ड एयरपोर्ट से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जिसका भी वर्क परमिट है, जो भी जॉब करने के लिए बहरेन में आएगा इमिग्रेशन के टाइम पे, उसे वहीं एक सिम कार्ड दिया जाएगा. अब उसका बेनिफिट क्या है बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन आपका जो भी वीजा परपोज या स्पॉन्सर का जितना भी डिटेल्स है उसका सारा नोटिफिकेशन सिर्फ उसी नंबर पे आएगा. आप जब तक उस वीजा पे हो तब तक उस नंबर पे वही इंफॉर्मेशन आएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं 2017 में आया था, उस टाइम पे बहरेन में एक विवा करके सिम होता था जो अभी कन्वर्ट होके एसटीसी में हो चुका है, सऊदी टेलीकॉम कम्युनिकेशन और जेन पेडेलको. ये तीन पॉपुलर है, अभी बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ओपन हो चुका है जिसके बारे में मुझे ज्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये तीन यहाँ पर फेमस है, रेगुलर बेस पे यूज किया जाता है. जो ब्रॉडबैंड वगैरह है रूम में, जो फाइबर है, वाईफाई नेटवर्क है, वहां सबसे ज्यादा बेटलको का यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि जो ब्रॉडबैंड जो सर्विस है वो बेटलको का ज्यादा यहाँ पर बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वो भी यूज करते. लेकिन अभी डिजिटल हो चुका है, काफी सब चेंजेस वगैरह हो चुके, जो जनरेशन है वो काफी आगे बढ़ चुका है. तो बेटलको, जेन और एसटीसी तीनों के पास सर्विस अवेलेबल है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है और अलग अलग डिजिटल डिवाइस भी है ताकि आप बहुत स्पीड में यूज कर सको. मेन जो है, अगर आपको वाईफाई चाहिए तो फाइबर का सर्विस यूज कीजिए, नहीं तो कॉपर वाला जो लाइन है उसमें क्या है कि बहुत कम इंटरनेट का सुविधा, क्योंकि एक बहरेन एक छोटा सा आइलैंड है तो हर जगह पे ये फाइबर का स्पीड का सर्विस अवेलेबल नहीं है. तो इसके बारे में मैं पूरा वीडियो बताऊंगा. तो सबसे पहले, जब भी आप एयरपोर्ट से आओगे, अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं तो आपको जो सिम कार्ड मिलेगा उस सिम कार्ड का मेन बेनिफिट यही है कि आपका अगर ईयरली वीजा है, अगर आपका स्पॉन्सर वीजा कैंसिल करता है या चेंज करता है या फिर वीजा इशू करता है तो आपको नोटिफिकेशन सिर्फ उसी सिम कार्ड में आएगा. यही एक बेनिफिट है. और दूसरा बात, बहरेन के अंदर आप कभी भी आते हो, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कोई भी प्लान या पैकेज लॉन्ग टाइप का जल्दबाजी में मत लेना. आपका पहला जो प्रोविजन पीरियड है 3 महीना, उसके बाद ही लेना. उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग नया पोस्टपेड में ले लेते हैं, बाद में कुछ इमरजेंसी होता है या फिर यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, तो बाद में वो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. इसका भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने, मैं झेल चुका हूँ, 8 से 9 महीने लोग स्टक हो चुके हैं, उनका पोस्टपेड का लाइन जो है वो कंटिन्यू पेमेंट, वाईफाई का पोस्टपेड का पैकेज जो है वो कंटिन्यू पेमेंट, और फाइनली जो यहाँ का गवर्नमेंट है वो तो छोड़ने वाला है नहीं, लीगली एक्शन लेगा, लीगली केस लेगा. आप फिर या तो जब भी एयरपोर्ट में आओगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा या फिर आप पे ट्रैवल बैन होगा, आप जा नहीं पाओगे, आपको फुल पेमेंट भरना पड़ेगा. अगर आप कोई और कंट्री में जॉब कर रहे हो, अगर बाई चांस आपने बहरेन का रूट सिलेक्शन किया अपना फ्लाइट चेंज करने के लिए, तो वहां आपको इश्यूज होगा, और ये होगा, जरूर होगा. इसके लिए कोई भी अगर जब भी बहरेन में आना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बी पेशेंस. आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप प्रीपेड में जाइए, क्योंकि पोस्टपेड में क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट्स है. आपको हाई डेटा दिया जाएगा, आपको हाई पैकेज दिया जाएगा, आपको कम से कम खर्चे में आप घर पे बात कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिवाइस खरीद सकते हो. जो बंदा लाइक 5 या 10 हज़ार रुपये का डिवाइस में खुश है, वो ये सब लालच के चक्कर में आईफोन तो आपको मालूम ही है 70,000-80,000 तक 24K की पेज पे लोग परचेस करते हैं. तो इन सब चीज़ों में ना फंसिए. अगर आपके पास पैसा है या फिर आपकी जो नीड्स है उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कीजिए. जब मैं आया था तो मैंने जो मेरा लकीली
जो मेरा सिम कार्ड था, जब से आया अब तक 7-8 साल हो गए, मैं वही सिम जो मुझे एयरपोर्ट से दिया है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक नंबर बहुत लकी है। दूसरा, मुझे आते ही कुछ महीनों के अंदर वो ऑटोमेटिक चेंज होके इतना सारा बेनिफिट, अनलिमिटेड इंटरनेट, घर में मैं कम से कम 600 मिनट्स तक एक महीने में बात कर सकता हूँ, और सोशल मीडिया जो भी है वो अनलिमिटेड है। तो ऐसे बहुत सारे पैकेज मिल गया, तो वो सिम कार्ड मेरा आज तक कंटिन्यू है। अगर आप को प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप क्या कीजिए, पहले 2-3 महीने आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जो सबसे ज़्यादा जो अभी जो चल रहे हैं वो STC चल रहे हैं, हर जगह आपको सर्विस अवेलेबल है, बेटल को, जेन, ये तीनों अवेलेबल है। आप जाइए कंपेयर कीजिए, अभी पैकेज बहुत कम है, अभी 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है और 2 साल का भी है। कम से कम 6 महीने का आप चाहे तो पोस्टपेड पैकेज में ले सकते हो, तो उतना रिस्क कम रहेगा। अगर आपको इमरजेंसी जाना है, छोड़ के जाना है, तो क्या है आपका उतना पैसा बच जाएगा। नहीं तो अगर आप 2 साल का पैकेज लोगे तो अगर आपको छोड़ के जाना है तो आपको 24 मंथ का पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा। अभी जो मेरा पैकेज चल रहा है वो 8.8 का है, मतलब इंडिया का 1600 से 1700, यहाँ का 8 दिन 8 रुपये। इसके अंदर मुझे 50 GB इंटरनेट और 600 मिनट्स जो मिल रहे वो इंडिया में बात करने के लिए, और मुझे लोकल के लिए 200 मिनट्स। ये मेरा पैकेज चल रहा है STC में। तो आप सोच समझ कर आपका जो प्लानिंग है उसके हिसाब से लेना। आके जल्दबाजी में पोस्टपेड का सिम ले लोगे, फिर स्पॉन्सर से ये हो गया मुझे वापस जाना है, पेमेंट तो आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आइए थोड़ा लाइफ थोड़ा देखिए कैसा है, सिस्टम कैसे चल रहा है, उसके बाद इन सब चीज़ों में पड़िए। अब आते ही अगर आप जो भी अपना इनकम है आते अगर आप लुटा दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो फिर बेनिफिट नहीं रहेगा। तो एक एडवाइस मैं सभी लोगों के लिए हूँ, जो भी फ्रेशर्स है या जो भी आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उन सबको इस बारे में पता है, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आना चाहते उनके लिए है, तो आज सोच समझ के अपना पैकेज, अपना प्लान चूज कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बस एक सिम कार्ड का इन्फॉर्मेशन है, वैसे वाईफाई बैटल को फाइबर में भी है, फाइबर का भी 1 ईयर 2 ईयर का पैकेज है। जो भी आपका यूज है, जो भी आपका नीड है, उससे ही आप पैकेज सिलेक्शन कीजिएगा। सो इसे मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।